हु शुड नॉट टेक कंप्यूटर साइंस इन क्लास 11? तो यार बहुत ज़्यादा कॉमन सा एक डाउट रहता है हर किसी के दिमाग में कि यार मैं कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मेरा बेस अभी बिल्कुल भी किसी तरीके से मेरा बेस कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, मैंने इससे पहले किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखे और ना मुझे कंप्यूटर से इतनी ज़्यादा नॉलेज है, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, मेरे से इससे रिलेटेड कोई उसकी से ज़रूरत से कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो फिर क्या भैया मुझे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? तो फिर देखो इस वाली वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा क्या आप वो स्टूडेंट हो जिसको कंप्यूटर साइंस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारे दिमाग में जो हम सोचते हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस नहीं लेना चाहिए स्टूडेंट को, वो है यार इंटरेस्ट। अब देखो यार कोई भी सब्जेक्ट होता है, अगर आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम में मिल रहा है तो फिर यार पहले आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा कि क्या आपका इस फील्ड में इसमें इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। अब देखो यार हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और आपको साइंस वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड उसमें भी हो सकता है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, यानी कि आपने PCM वगैरह आपने ऑप्ट कर रखी है, तो फिर यार उस केस में आपका अगर कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड में है, क्योंकि यार टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना ही पड़ता है और उनको उसके लिए बेसिक नॉलेज जरूरी होती ही है, तो उस केस में आपको अगर आपको लगता है कि हाँ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ या फिर आप जो JEE एग्जाम दे रहे हो अगर उसके साथ साथ आपको बाकी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में भी फ्यूचर में जॉब चाहिए होगी, तो यार उस केस में अगर आपका इंटरेस्ट वगैरह है तो फिर आपको श्योरली बिल्कुल कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको 11th में लेना चाहिए। सेकंड केस आता है यार उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने कि साइंस नहीं है बट वो हमारी मेडिकल स्ट्रीम के, तो यार देखो मेडिकल में ये रहता है हमारा, अगर आप मेडिकल के हो तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड में आपको फ्यूचर में जाने का कोई स्कोप है नहीं, मतलब कि उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, मतलब अभी आपको मेडिकल में हो आप बट आपका भी इंटरेस्ट का अपना कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट है, तो यार आपको उस केस में भी कंप्यूटर साइंस ले लेना चाहिए। बट यार ध्यान ये रखना है आपको कि आपको पहले क्लियर होना चाहिए 11th 12th से कि क्या यार फ्यूचर में मेरे को कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई टेक्निकल जॉब या फिर ये सब मेरा इंटरेस्ट एक्चुअल में है या फिर नहीं है। अगर यार एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है उसी केस में जाके आपको इस टाइप का सब्जेक्ट लेना चाहिए। तीसरा भाई जो कॉमर्स या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे, देखो यार आप लोगों के लिए मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आपका ट्रू इंटरेस्ट आपके अंदर है, क्योंकि यार आप लोगों के लिए आप हर फील्ड में जा सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस वगैरह लेके कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में जा सकते हो, टेक्निकल जॉब कर सकते हो फ्यूचर में कोई कोर्स ऑप्ट करके, बट यार आपके लिए वही बात आती है कि आपका इंटरेस्ट वगैरह होना चाहिए। सेकेंड चीज़ यार इंटरेस्ट के अलावा जो मैं बात करना चाहूँगा वो है यार आपका फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस, क्या आप एक्चुअल में सोचते हो कि फ्यूचर में कैरियर ऑप्शंस में क्या आप कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करने वाले हो? जैसे कि यार मेरा था, मैं 11th क्लास में मैंने PCM लिया था और PCM के साथ हमें कंप्यूटर साइंस और IT का ऑप्शन था, बट यार जो भी मेजॉरिटी में जो स्टूडेंट्स मतलब जिनके मैथ्स वगैरह 80+ थे सिर्फ उन्हीं को ही कंप्यूटर साइंस दी जा रही थी, तो यार आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया जा रहा है कि अगर आपके इतने मैथ्स में इतने मार्क्स आते तभी जाकर आप कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर सकते हो, उसके अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स को IT ऑप्ट करनी पड़ी थी, तो यार कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल बहुत अच्छा ऑप्शनल होता है फ्यूचर में आपको, मतलब अगर कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाना है तो फिर उस केस में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बट वही बात है यार आपको ध्यान रखना है कि क्या कैरियर में जो मैं फ्यूचर में अपना कैरियर करने वाला हूँ क्या ये मेरा उससे रिलेटेड है? अब मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें कि उसमें लिखा होता है कि मेरे पास बायोलॉजी है, क्या मुझे बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए, या फिर देखो यार इस केस में आपको सिंपल सा डिसाइड करना है कि क्या फ्यूचर में आपको बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड में जाना है या फिर कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में जाना है। देखो आपके पास अगर PCM BP सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड, तो उस केस में आपको अगर कंप्यूटर साइंस लेना है तो वो आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है, आपको यहाँ से डिसाइड कर लेना चाहिए। आई थिंक 11th क्लास से आपको PCM PCB अलग अलग नहीं रखना चाहिए कि दोनों ले लिया ऐसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, अलग अलग कर लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप इंजीनियरिंग फील्ड को या फिर मेडिकल फील्ड को, ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ लेना, कई स्टूडेंट्स लेते हैं PCM भी कर लेते हैं अपना, ठीक है, तो फिर उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट यही है यार आपको पता होना चाहिए कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड में या फिर मेडिकल बैकग्राउंड में, ठीक है, तो उससे क्या रहता है यार आपको फ्यूचर में अपना आप एक आपको वो बन जाता है कि हाँ मेरा ये वाला ट्रैक है, वरना यार आगे जाके कन्फ्यूज होता रहता है कि JEE भी देंगे NEET भी देंगे, तो ये तो साइंस वालों की बात होगी। देन दूसरी चीज़ अगर कॉमर्स वालों की, अगर कॉमर्स फील्ड में भी आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज अपना देख सकते हो, अगर आपने कंप्यूटर साइंस आपको मिल रहा है तो बिल्कुल यार आपको आप ले सकते हो, बट ध्यान आपको ये रखना है कि आपको उस में ट्रू इंटरेस्ट और कैरियर फंक्शन आपको आगे पता होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर रिलेटेड में क्या करने वाला हूँ। अगर नहीं भी पता ना तो फिर इतना ध्यान रखना कि कंप्यूटर साइंस में अगर माना
के बच्चों के क्वेश्चन, मतलब सब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं भाई बहनों के, कि भैया हमने कंप्यूटर रिलेटेड में ले तो रहूँगा, क्या हम इसको पढ़ पाऊंगा, टफ तो नहीं है ज़्यादा, और एंड टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इतना सारा मेरे पास सिलेबस है, तो फिर उस केस में मैं क्या करूँगा। सर देखो सिंपल से मेरे लिए आपके लिए, मेरे पास आपके लिए एडवाइस है कि यार कंप्यूटर साइंस के लिए आपको मात्र मात्र लास्ट के 5 से 6 दिन चाहिए अगर आप उसमें 60+ लाना चाहते हो आउट ऑफ 100। अगर यार आप ज़्यादा अपना एम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कंप्यूटर साइंस ही है नॉर्मल, अगर एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर मार्क्स उसके नहीं जुड़ने वाले, तो उस केस में लास्ट के 4 to 5 days में भी कंप्यूटर साइंस इजीली कवर हो जाती है। इस चैनल से कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों ने लास्ट 5 to 6 days के अंदर कंप्यूटर साइंस करी हुई है प्रैक्टिकल तरीका, और उन सबके 60+ मार्क्स आ रखे हैं, ठीक है। तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, कंप्यूटर साइंस सिर्फ उनको नहीं लेनी चाहिए जिनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं अच्छी लगती भाई कंप्यूटर साइंस, आपको अगर उसमें एनालिटिकल स्किल्स आपको नहीं अच्छी लगती कि कोई चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की, या फिर किसी चीज़ में उलझ के रहना, या फिर किसी चीज़ को बार बार दिमाग लगा के सॉल्व करना, अगर उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो उस केस में यार आप इंटरेस्ट आपका नहीं है, तो उस केस में आप कंप्यूटर साइंस छोड़ सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर में कंप्यूटर रिलेटेड कोई फील्ड में जाना नहीं है, तो उस केस में आप कंप्यूटर साइंस छोड़ सकते हो, कोई ईजी सा सब्जेक्ट लेके अपना 11th 12th कर सकते हो। तो यार आई होप यार ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और यार कुछ ना कुछ आपकी हेल्प जरूर सही होगी, कुछ ना कुछ हेल्प प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि यार उनको भी अपना बेस्ट ऑप्शनल, और कोई भी क्वेरी रह जाती है फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पॉइंट मेरे से छूट गए हो, बाय चांस इंसान हूँ, गलती हो जाती है, तो फिर नीचे कमेंट में मेंशन कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।